सब, आपके नाम बताओ। हाय, ये वाले फ्रेंड का तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। आमिना के फ्रेंड आमिना के जैसे ही चेहरे। मम्मी यार बस करो, तू तो है भी नहीं मेरे कैमरे में, तेरी फ्रेंड्स लोग ऐसे रहे। अब तो तुम लोग हाय कर दो जल्दी से, मम्मी चले जाएंगे। जल्दी हाय कर दो। मिर्ची तीजे भिंडी आलू चुआ भाजी यामिना ने बनाई, ये अम्मी ने बनाया, वो मैंने बनाई, ये अम्मी ने बनाया मिर्ची रोटी, अम्मी ने बनाई और हम लोग इंजॉय कर रहे धूप में। आ जाइए आप लोग भी खा रहे। मामा महम बेबी, हमारे पास दो दो महम बेबी है, एक ये है और एक ऊपर में फोटो लगा दूंगी, दो दो मामम बेबी है। जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ नरगिस के घर, ऐसे मूड हुआ, घर पर कोई नहीं है, मम्मी को भी जा रही है आज खाना के घर और मैं जा रही हूँ नरगिस के घर, बच्चे जाएंगे ट्यूशन, बोर होगा इसलिए मैं नरगिस के घर आ रही हूँ, थोड़ा राहुल का खैर खबर भी ले लूँगी। आ गई मैं नरगिस के घर, नहा धो के धूप ताप रही हूँ, मैं उसको डिस्टर्ब करने आ रही हूँ। हाँ राहुल की ई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने डाला शॉर्ट्स, आप लोग देखना ये डॉक्टर लोग ने काट पीट के उसके कपड़े निकाले। बच्चे पे क्या आफत मुसीबत है अल्लाह ही जाने, आप लोग दुआ करना उसके लिए अच्छा हो जाए जल्दी से। पर घर में नहीं रहेंगे हम चैन से। बदमाश, मुंह तो कितना शरीफ वाला बनाया है। शरीफ बच्चा है, उसको ना लोग सताते हैं बेचारे को, इतना अच्छा बच्चा है। इसने कुछ करके आया जरूर, इसको पीछे कोई डंडा लेके दौड़ाऊंगा। नहीं हम कुछ नहीं करते, हम बस दानिश भाई की मुर्गी के पीछे लगे रहते हैं। तो मुर्गी चोर, किसी और की मुर्गी पे नजर रखाऊंगा इसलिए आया हूँ। कोई खेलने को देखता है, घर में तो मुर्गी खाता है वो, है ना बापू। माँ परेशान होगी, पता नहीं वो ढूंढते ढूंढते कहाँ निकल गई है, वो इसको ढूंढती है उसको ढूंढते। डरपोक। तो आ गए हम लोग घर पर, काफी टाइम हो गया, अमीना पानी भर रही है, उसके पास बाहर चिल्लर पार्टी है, आज लोग कर रहे पार्टी, न्यू ईयर एडवांस न्यू ईयर पार्टी है इन लोगों की। yes. और मेरे को धोना है बर्तन और बनाना है रात के लिए खाना, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है, मेरा दिन खराब कर दिए हैं कल से मेरे हस्बैंड ने। अब हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, मगर मेरा हो गया है मूड खराब कल से, तो दिखाती हूँ बच्चे, देखो बच्चों का ग्रुप है, इन लोग है ना अमीना का इंतजार कर रहे हैं, अमीना फ्री हो जाएगी तो फिर लो क्या बना रहे हैं क्या पता। गीला है, दिन दिन भर हो जाता, दिन दिन भर हो जाता ना, सूखता नहीं है कुछ भी ठंडी के दिनों में। चलिए पानी जाने से पहले मैं बर्तन भी धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। अपने पेट में कैसा तो भी लग रहा है, या आमीना के मंचूरियन खाई हो ना, जब से बड़ा हैवी हैवी लग रहा है, तो प्यारा आसमानी कलर जाली हाथ में ही आ रहे, पिंक पिंक दिख रहा होगा, है नहीं अच्छा कलर दिख रहा था। और मैं दिखाऊँ आपको, ये मैंने जमाया है, दिख रहा है कि जमाया हुआ किसी को, मेरे को तो अभी भी कचरा ज्यादा ही लग रहा है कि ये जो सेल्फ है ना, ये है ना छोटे छोटे बने हुए हैं, यहाँ कुछ मैं जमा भी नहीं पा रही अच्छे से, जैसे मेरे को ये प्राइज है ना ये ऊपर रखना था या तो ये नीचे रखना था, पर वो मेरे को ये जो चीजें है ना अपने को रेगुलर यूज में आती है तो इनको भी नीचे रखना, ऊपर रखना नहीं था तो समझ में नहीं आया मेरे, तो ये ऊपर नहीं जा रहा था इसको नीचे ही रख लिया ऐसे एक के नीचे एक, और जैसा समझ में आया जमा लिया। देखो रसना वाली ग्लासेस, इसकी ये मेरी शादी का अभी तक है, और ये तो मेरे ससुर के हाथ का है, तो 100 साल पुराना बर्तन बोलेंगे इसको। ससुर के अंतराल हो गया, कई जमाना हुआ है ना, वैसे कुछ चीजें मेरी
दहेज की कुछ हमने अभी खरीदी थी बीच में, वो सारी तो खत्म हो गई 19 सालों की शादी का। हाँ तो अम्मी ने किसी को फोन करना, फिर बात करते हैं। अम्मी मैंने नहीं खाया पूरी। अरे तुम्हारा मिरिंडा अभी तक खुला नहीं क्या? जो चाहिए मेरे को तो लेना ही नहीं। अब तू आना भूतनी बन के शॉल ओढ़ के तक बताती। नहीं नहीं। कैसे बना नूडल्स? अच्छा बना, अच्छा बना। मेरा हो गया बाबा। क्या? नहीं उसने बना, उसको आखिरी में चम्मच चलाने का टाइम नहीं दे रहे थे तुम लोग, तो फिर मैंने उन्हें क्या लो नूडल ले दिखा रही हो, मुंह दिखा रही मालूम है? मेरे पापा यहाँ पर ऑफिस वर्क करते हुए, दादी नमाज पढ़ रहे हैं और ये लोगों का तो वही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नाग व्लॉगर। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। हां ट्यूसडे। आज ट्यूसडे। हाँ 26 दिसंबर ना, मेरे को याद नहीं रहता, आज याद है। और हम लोग यहाँ पे धूप ताप रहे हैं ना, छोना माना छना माना मम्मा का। कल महामार में 11:30 बजे तक सोए थे सुबह, अपन सोते रहे तो ये भी सोते रहता कम्बल में। मेरा बेबी को देखो कैसी सोई है, अम्बू सता रही है उसको। मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। अम्मी हरी चटनी पीसना है तुमको, समार का है? माहम कहा देख रहा, वो आवाज आ रही ना ड्रिल मशीन की, ऐसे तो वाले घर से पक्का हो गया है वो, डरता नहीं है, मगर कभी कभी अचानक से आती तो डर जाता है। डरपोक। ये अदरक इसमें पैर पूछने किसमें रख दिए? ये तो गंदा है ना, तू भी खा ले उसको। हाँ घूर के देख रहा उसको, कचरे को रख देता, पैर मार रहा उसको। डर रहा हो उससे, पैर डाल हाथ पीछे कर, हाथ पीछे कर लिया था हमने। सब्जी बना लूँ क्या? और हाँ सब्जी बना लूँ। सब्जी बना लो, काफी है थोड़ा सा और डाल बस। क्या गिर रहा है इसके अंदर से? बता बोलता है 11 में मंगली रहे, 10 में 11 में तमोड़ा सामने क्रिसमस पार्टी है। तू पढ़ाई लिखाई छोड़ कर, मम्मी तुमको इनवाइट करे, काम छोड़ के पढ़ाई कर ले। नहीं हमको इनवाइट नहीं करे, हम तो न्यू है ना यहाँ पे, उनके उनके क्रिश्चियन लोगों को दावत। ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट का तैयारी हो गई, गाड़ी हाँ बन रहा है, ब्रेड पकोड़ा अच्छा खाने का मन कर रहा था। तो ये अम्मा की दरगाह में बनने वाला था कचौरी चाट, और ये मटेरियल मैंने तब लाई 2-3 हफ्ते पहले, अब यूज हो रहा है घर में। चलिए तैयारी करते, नहीं तो मूड खराब हो जाएगा इंसान का। चलो अयान मेरी हेल्प कर रहा है, मैं और अयान जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो वो मेरे को करके देगा, मैं वहां पे फ्राई करूंगी। नहीं अच्छा और लगा, और लगा हाँ अच्छा, ज्यादा डबल रहेगी ना ब्रेड उसके ऊपर, तो फिर उसको कट करेंगे। हाँ एक के ऊपर एक रहेगी, पूरा कोने कोने में लेके जाओ आलू को। मैं बोलती हूँ लड़कों को सब काम आना चाहिए।
कभी कभार ही करता है ना, जरूरत ही कहाँ पड़ती तेरी और मेरी। आदत है अच्छा अच्छा पकाने की, तो उसको खाने की आदत है, पर आना चाहिए सब काम। हाँ उधर कोने में भी एक कोना थोड़ा सा बचा है, वो ब्रेड का वो आ जाएगा। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आलू डाल और फिर उसको डबल कर दे। इधर गड्ढा ना, ठोकते नहीं है बस ऐसा। हाँ डबल कर दो ब्रेड को, लो ये हो गए एक। नहीं इसको मैं करूंगी अब बेसन में डीप। लाओ इधर रखो, बस बस बेटा। हाँ बस अब दूसरा करो, मैं भी करती सर। क्या बोलूं, मेरा यार ने बनाया। और दही डालते हैं ना, अच्छा पचपच डालते हैं। तूने अभी खाया ही नहीं है ब्रेड पकौड़ा। खूब सारा लाइट बोरे, खूब सारा दही, खूब सारा दही चटनी डाल के देते, सेव ऊपर डालते हैं मस्त। काम देखो बच्चे को मेरे परेशान करने का। हंस मत, उसको समझता है सब। अभी खुजा खुजा के सब निकालेगा। जाओ बेबी बाहर, बिल्ली दिख रही है बिल्ली। तो मना करे फिर भी वो करिए। फ्रॉक है वो, फ्रॉक बच्चे। दादी है बाथरूम में। ये निम्मी के बचपन के कपड़े हैं। माँ सोने जाना है आज ना, जैसे इंसानों के बच्चों को कैसा रहता है ना, हमारे घर के सामने फंक्शन है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा तो इसको भी ना आज अंदर नहीं जाना है, इसको ना बाहर बैठ के उन को देखना है। इसको आ रही है नींद। अरामू ने मेरा फ्रॉक, तो आज ठंडी नहीं लग रही है ना। यहाँ देखो किचन कैसा मैसी पड़ा है। अमीना को बोलो तो सुनाई नहीं देता, वो ऐसे टाइम पास करती। देखो भागिया हल्दी के ड्रेस में, चलो सो जाएंगे चलो। और ये मैंने ये अल्फिया के दर से मिला था हम लोगों को सबको, फुप्पी को, बड़ी मम्मी को, काकी को और बहनों को वो मिला था टिफिन, है ना मम्मा। आज मैंने खोल दिया टेबल पे, सोफा ऑफ रखने का, दो मैं चार रखूंगी। चलो फिर कैमरा ही ब्लर। मैं और माम जा रहे हैं सोने। मम्मा ने और माम ने ग्रीन ब्लू पहने हैं ना मम्मा, देखो उसकी आंख नींद आई ना आपको। सोने चलो ना, सब गया। मैं भी मेरा बच्चा सुलाती हूँ फिर काम पे लगती हूँ। चलो भाई मंगाए होंगे ना, मैम को पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो नहीं ला सकता मैम। ला मैम, कौन आया? हाय बोलो मैम। हाय, बहुत देर हो गया आई है। भाभी आए, बहुत देर हो गया। उसको पिलाओ, ये आया है, ये तब भी आए। इसको पिलाओ पानी, इधर इधर। और ये अमीना का काम, सुबह से बोल रही हो सूटकेस निकाल के जमा ले, टाइम पास करे, ट्यूशन गई, वहाँ पे डांट खाई है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन ठीक करने और खाना पकाने के लिए। तो जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने दाल गोश्त का बोली थी, तो आज मैं दाल गोश्त बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने गोश्त निकाल के फ्रिज से रख दिया, बस धोना है और चढ़ाना है। तो मैं पूरी रेसिपी देती हूँ इंशाल्लाह। पहले मैं बर्तन धो लूँ और ये सारे बर्तन भी खाली करना है मेरे को। तो पहले मैं बर्तन धो के निकालती हूँ, जब तक ये धो के निथर जाएगा। तो आज मिलेगी आप लोग को दाल गोश्त की रेसिपी। चलो ना, कितना टाइम है, आराम छोड़ देगा। किसकी है जी? आपकी है। माम को लगी है भूख और माम खाना नहीं खाती है। माम मैगी खाती है। क्या खाती है माम? हाँ बड़े पापा को फोन कराया। मैं ये पर यहाँ बुला रहे नहीं बोला।
सोचा बोले पिताजी बोले मेरे तो चक्कर यार लगे फूको फूको मैम फूको मैम फूको 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 पहले फूको फूको पहले मैम फूको पहले फूको फूको क्या कर रहे वो ठंडा हो गया खा लो इसने मंगाई तो है लेकिन कितना खाएगी तो ये मैं दाल गोश्त के लिए सबसे पहले गोश्त चढ़ा दे रही हूँ यही आधा किलो गोश्त है मेरे पास और ये कुछ गरम मसाले हैं दो बड़ी इलायची चार हरी इलायची दो पत्ते कलमी इतने और ये आठ दस और काली मिर्च और छः सात लौंग अब इसके साथ मैं डालूंगी एक चम्मच जीरा है छोटा स्पून ठीक है ना और इसी के साथ ही सब डालेंगे हम ये है एक बड़ा प्याज इधर दिखाओ हाँ ये है एक बड़ा प्याज जो मैंने रफली चॉप कर ली हूँ जो जाएगा इसके अंदर यहाँ है अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ा चम्मच भर के एक ठीक है सारा फ्लेवर गोश्त में इसी में जाने वाला है इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला हाफ टेबल स्पून ठीक है वो ब्राइटनेस कम लग रही है यार तो अब इसमें जाएगा अच्छा तीन चम्मच भर के धनिया पाउडर हाँ बाबी हल्दी और मिर्ची अच्छा दो चम्मच भर के तीखा बनाएंगे ये मसाला ताकि दो चम्मच ही है इसको ज्यादा नहीं है ताकि ये दाल में कवर हो जाए और इसमें मैं डालूंगी टमाटर दो टमाटर और हरी मिर्च तो ये है पांच छह हरी मिर्च ठीक है और ये है मेरे को मीडियम साइज नहीं मिले तो मैंने तीन टमाटर ले आई छोटे साइज के हैं ऐसे रफली मेरी तो छुरी में भी दम नहीं है ऐसे मोटा मोटा क्योंकि ये तो गलने ही वाला है ठीक है ये हो गया अब इसमें तो मेन चीज नहीं गई है वो क्या है वो है नमक ठीक है तो इसमें अच्छा तेज नमक भी डाल देंगे दाल में हम कम डालेंगे डेढ़ चम्मच इस चम्मच से डेढ़ चम्मच मैंने नमक लिया है तो बस अब इसका यही काम होता है खत्म अब इसको हम ऐसे ही चढ़ा देंगे गैस पे ये देखिए ये फ्लेम चालू कर दी मैं इसको फुल फ्लेम में रख दी हूँ अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं वैसे तो ये खुद मिक्स हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट करना माहम आई हुई है पीछे से आपको आवाज आ रही होगी तो ये दाल गोश्त का मसाला हमारा रेडी है ठीक है अब हम इसको लगा देंगे सीटी पांच सीटी हुए तक के हम इसको पकने देंगे और तब तक के हम भिगा देंगे दाल ये है मसूर की दाल खाली चने की दाल से भी बनता है ये शादियों में तो चने की सॉरी बटाने की दाल से बनाते हैं और घरों में चने की दाल ज्यादातर यूज होती है मगर मैं मिक्स करती हूँ चने की दाल में मसूर की दाल ठीक है तो ये देखिए एक कटोरी मैंने ली हूँ मसूर की दाल एक कटोरी ली है मैंने माहम की आवाज आ रही चने की दाल ठीक है तो ये हम थोड़ी देर भीगने देंगे आधा घंटा तब तक हमारा गोश होगा फिर गोश निकाल के हम दाल चढ़ा देंगे ठीक है चलिए नहीं क्या खा रहे हो बेटा ये तो ये देखो मम्मी क्या बनाए हो बताओ दाल गोश की रेसिपी अधूरी रह गई फ्रेंड्स आयान फोन लेके चले गया था तो मैं एक दो दिन बाद दे दूंगी सॉरी अधूरी रहेगी छोड़ो नेक्स्ट टाइम एक दो दिन के बाद बना के मैं रेसिपी डाल दूंगी अकेले में भूख भी लगी थी लोगों को अभी खाना बन गया देखो दाल गोश्त बघारा चावल और यहाँ माहम एंजॉय कर रही है हाँ।
एंजॉय कर रहे हो मामा? हाँ थोड़ा सा मेरे को भी दे दो। ले तो रही हूँ। और वो दोनों की दोस्ती दिखा दो। और ये देखो, ये हमारा माहम और ये हमारा मोटू। बोल। पता है इसे भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब खेलना आता है, मतलब ट्रेंड है। हाँ मेरा ये कहने का मतलब है सच में, मतलब जैसे जो घर के पाले हुए कुत्ते होते हैं उनको बॉल फेंक को फिर वो बॉल लेकर आते हैं, वो वैसे लेकर आता है ये, उसको शेक हैंड भी आता है और लियो को भी आता है। लियो के घर पे फंक्शन है ना लियो, आई मीन बोल्ड, हम इसको मोती भी बोलते हैं और बोल्ड भी बोलते हैं। और ये जो हमारा मोती है, हमारा ओ सॉरी माहम, माहम नाराज है क्योंकि ये वाली मामा है, मगर माया माम इज हैप्पी है ना माहम, देखो ओ सॉरी माहम चश्मा रानी अपनी तूने तेरे पास बात तो इसमें हैप्पी हाय कर दो चश्मा दे बहुत कम बहुत मैं ऐसी पढ़ा है घर भी और ये मेरी दादी है नमाज पढ़ रहे हैं माम हाँ फोटो हाय बड़ो मम्मी हाय अस्सलाम वालेकुम बोलो ऐसा ऐसा करो छोटी आपा ऐसा करना आदाब हम जा रहे बोलो कहाँ जा रहे आप माशाल्लाह माम कैसे सलाम कर दो एक बार नीले कबूतर मेरा बच्चा है ना माहम आई है ना इसको बच्चे पसंद नहीं है अपने कल भी देख देना जो माहम आई है ना जो गुच्छा होगा उसको ओढ़ के सोना है पर वहां पे अयान बैठा है अम्मी अयान और बिस्तर भी पड़ा है पूरा गिर गया था जब भी माहम से और यहाँ पर अम्बू के कपड़े पड़े वो देखो आज वापस डालेगी उस तरफ नहीं करेगी वो घड़ी और कल फिर ट्यूशन भागेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं ये एंड करती हूँ, दाल गोश की रेसिपी फिर पेंडिंग रह गई, आयान अगर लेके बिना पूछे चले गया अम्बू को लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी वो, तो अगर मेरे को बताता तो मैं फोन ले लेती और रेसिपी कम्प्लीट करती, ऐसी आधी अधूरी रेसिपी के लिए आई एम सॉरी और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दूंगी, क्या नाम है मैं भूल जाती हूँ वो जिन्होंने कमेंट कर रहे थे मेरे सब्सक्राइबर पर, थैंक्स सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं कुछ आप लोगों को सिखा सकती हूँ बता सकती हूँ। तो मैं एक दो दिन बाद गोश्त मंगवा के फिर से दाल गोश्त की रेसिपी दोपहर के टाइम में इत्मीनान से दूंगी, शाम के टाइम थोड़ा भाई का आने का टाइम भी था 7:30 बजे और जल्दी मुझे पकाना था तो इसलिए मैं रुक नहीं सकी, अगर आज भाई भाभी यहाँ नहीं आए होते तो मैं जरूर रुक के बनाती मगर सॉरी फ्रेंड्स कोई बात नहीं वो लोग भी रोज़ नहीं आते। तो चलिए फिर मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना, आज माहम आई हैं तो अल्लाह हाफिज़। कमर देना सी कमर माम क्या हो रहा है ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आयशा की याद नहीं आ रही आपको नहीं मम्मा की याद नहीं आ रही आपको तो बता रही बोलो बहुत आ रही ये वीडियो देख के किसको लग रहा है कि इसको मम्मी की याद आ रही है बताना जरा हाँ माहम झूठी माहम है एक नंबर की देखो ऐसी रानी को झूठी हाँ एक्सक्यूज मी यस आर यू हैप्पी हाँ माहम
आप हैप्पी हो यहाँ अम्मू मासी के पास? अच्छा लग रहा है? ओफो कौन सा डांस हो रहा है? मम्मी नेट से भी चार नेट बंद रखे तुमने? नहीं चार मॉर्निंग मौसम मौसम नहीं कौन सा मौसम नहीं नहीं